हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग। आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी लौकी मलाई कोफ्ता, साथ ही मक्खनी ग्रेवी के साथ, जिसमें हम काजू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पर फिर भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हमने ली है एक लौकी, जिसे कद्दूकस कर लिया है वॉश करके। अब इसे हाथों की सहायता से अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसका सारा पानी एक बाउल में निकाल कर रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हमने लिया है 50 ग्राम के करीब पनीर और साथ ही डाले हैं कुछ मसाले। आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है, एक चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है और इन्हें सबको मिक्स करना है। उसके पहले हम डालेंगे एक चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से ये कोफ्ते बहुत ही रिच फ्लेवर में बनेंगे। और साथ ही हमने बेसन की जगह डाला है 2 चम्मच मैदा और इसे हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करके डो फॉर्म में रेडी कर लिया है। 2 चम्मच मैदा से ही हमारा डो अच्छे से रेडी हो गया है। ध्यान रखिए, अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि नमक डालते ही लौकी पानी छोड़ देती है। वैसे भी हमने लौकी का सारा पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। अब नमक ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच और साथ ही 1.5 छोटा चम्मच हमने मैदा का और ऐड किया है, ताकि अगर लौकी पानी हल्का फुल्का पानी छोड़े तो भी ये हमारा डो लिक्विड ना हो। और अच्छे से मिक्स कर लिया है नमक और मैदा को और डो फॉर्म में रेडी कर लिया है। अब इसके हमने कुछ ड्राई फ्रूट कट किए हैं, जिसमें हमने 2 काजू 2 बादाम और किशमिश कट कर ली है। अब नींबू के साइज का हमने डो लिया है, इसे फ्लैट कर लिया है। इसमें हमने फिल किए हैं ड्राई फ्रूट और इसे राउंड शेप कर देते हुए इसे कोफ्ता की फॉर्म में रेडी कर लिया है। आप जैसे डेली कोफ्ते बनाते हैं गोल वाले, वो भी बना सकते हैं। मैंने इसे थोड़ी डिफरेंट कटलेट की शेप दे दी है। ऐसे ही हम सभी कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब कढ़ाई में डाला है ऑयल, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम लो से मीडियम फ्लेम पर कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते को डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसे हिलाएंगे नहीं, उसके बाद इसे पलट पलट करके ब्राउन होने तक सेक लेंगे। हमारे टेस्टी क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। कोफ्ते रेडी हो रहे हैं, इतने में हम मसाला रेडी करते हैं। इसके लिए 3 टमाटर 3 प्याज और 10 से 12 कलियां लहसुन की ली हैं। एक पैन लिया है, उसमें डाला है 4 बड़े चम्मच ऑयल। खड़े मसालों में 2 लाल मिर्च, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच जीरा और 1 तेज पत्ता डालकर इसे 1 मिनट अच्छे से भून लेना है। अच्छी अरोमा आनी चाहिए। उसके बाद प्याज, टमाटर और लहसुन सभी हमने जो बड़ा बड़ा था फ्ली चॉप किया था वो ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें स्पाइसेस। स्पाइसेस आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। उसके पहले हम इसमें डालेंगे फ्रेश कोकोनट। आपके पास अगर फ्रेश कोकोनट ना हो, 1 चम्मच के करीब डाला है, तो आप ड्राई कोकोनट डाल सकते हैं। काजू डालना चाहें तो काजू डाल सकते हैं। काजू ना अवेलेबल हो तो खरबूजे के बीज डाल सकते हैं। और कुछ भी अवेलेबल ना हो तो आप ऐसे ही मसाला रेडी कर ले, और मसाला को रेडी होने के बाद, ग्राइंड होने के बाद, आप उसमें 1/2 कप मलाई डाल दें। अब मसाले में हमने स्पाइसेस डाले हैं 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। मसाले को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद 1 कप पानी डाल दिया। इसे ढक कर 5 मिनट पका लेंगे। मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा। हमारे कोफ्ते भी फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। देखिए, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से कितने सॉफ्ट रेडी हुए हैं। मसाला भी अच्छे से कुक हो चुका है 5 से 7 मिनट में। इसमें जो हमने खड़े मसाले ऐड किए थे वो निकाल देंगे, जैसे कि तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, लाल मिर्च को आप ऐसे ही में ग्राइंड कर लेंगे मसाले के साथ। अब मसाला को कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद वही पैन लेंगे। इसे ऐसे ही ले लिया है हमने, क्योंकि इसमें खूब सारे फ्लेवर हैं। अब इसमें डाला है 2 चम्मच आप मेल्टेड बटर डाल सकते हैं। बटर अवेलेबल ना हो तो घी डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच घी डाला है, साथ में ऑयल डाला है और ऑयल में 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा।
अब मसाला डाल दिया है, इसे 2 मिनट पकाया है। जिस जार में हमने मसाला ग्राइंड किया था उसमें लौकी का पानी डालकर अच्छे से शेक करके वो पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। ग्रेवी को 3 से 4 मिनट पकाया है, ग्रेवी थिक हो गई है, अच्छे से पक चुकी है। इसमें डाली है कसूरी मेथी, गरम मसाला, मलाई, इसे रोटी, पराठा, नान, राइस के किसी के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, रेस्टोरेंट से भी अच्छे कोफ्ते रेडी हैं। थैंक यू।